हूँ माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 12th को लेके एक टॉपिक अपने चल रहा था रिलेशन और फंक्शन का, अभी तक इसमें अपने दो पार्ट करवा चुके हैं। अभी जो अपना लास्ट वीडियो जहाँ तक छोड़ा था उसके आगे का पार्ट लेके आज फिर हाजिर है। उसमें मैंने आपको संबंधों के प्रकार समझाए, क्या समझाए थे, संबंधों के प्रकार कितने प्रकार आपको बताए थे। सबसे पहला आपको बताया था मैंने स्वतुल्य, क्या बताया था, स्वतुल्य। दूसरा संबंध आपको बताया था सममित, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा संक्रामक, तीसरा क्या होता है, संक्रामक। और चौथा संबंध था तुल्यता संबंध। अब देखो इन चीजों को समझने के लिए एक उदाहरण, एक क्वेश्चन देता है कि आपके मैटर है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे अपने को करने होंगे। ठीक है, तो ये मैं प्रश्न देता हूँ। प्रश्न ये कह रहा है कि जैसे समस्त त्रिभुजों का एक सेट है, समुच्चय है, उसमें सर्वांग समता के नियम को आप सिद्ध करवाएं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको एक समुच्चय दे रखा है, समुच्चय को मैं क्या ले लेता हूँ, ए के अंदर क्या है, समस्त त्रिभुज है, क्या है, समस्त त्रिभुज। समस्त त्रिभुजों का जितने भी प्रकार के त्रिभुज आते हैं वो सारे के सारे कहाँ है, समुच्चय ए के अंदर आपके पास है, सारे के सारे त्रिभुज के इंक्लूड है। अब देखो काम क्या करता है कि इस जो सेट आपने ए लिया है या क्वेश्चन वाले जो आपको सेट ए दिया है उस पर एक रिलेशन लेते हैं। रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड है, संबंध इस प्रकार का है कि यदि आपने क्या काम करवाया है कि टी वन और टी टू, क्या लिया है, टी वन और टी टू, दो ट्राइंगल, ट्राइंगल टी वन और ट्राइंगल टी टू, कहाँ से लिए, सेट ए में से आपने दो त्रिभुजों को उठाया, समुच्चय ए में से आपने क्या काम करवाया, यदि दो त्रिभुजों को आपने उठाया तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो इस प्रकार का है कि जो त्रिभुज टी वन है वो सर्वांग सम है, किसके, त्रिभुज टी टू की, क्या है, सर्वांग सम है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने सेट ए में से कोई से भी दो त्रिभुज आपने लिए हैं, रिलेशन उनके बीच में यह है कि दिए गए दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। अब देखो सबसे बड़ी बात कि आपको ये चेक करवाना है कि जो रिलेशन आर लिखा हुआ है वो आपका तुल्यता संबंध है या नहीं, ये अपने को चेक करवाना है। तो तुल्यता संबंध चेक करने के लिए आपके पास ये तीनों तरह के रिलेशन होने चाहिए। मतलब जो आर है वो आपका स्वतुल्य होना चाहिए, उसके बाद जो आर है वो आपका क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक सममित होना चाहिए, तीसरा जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, ट्रांजिटिव रिलेशन आपका होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें होगी तो आपका इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, तुल्यता संबंध आपका कहलाएगा। तो रिलेशन को आप पहले प्रश्न को आराम से पढ़ा करो, प्रश्न में क्या जानकारी दे रखी है और रिलेशन के बारे में आपसे क्या पूछा है, किस प्रकार से दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, उनका संबंध क्या है। तो एक काम कर लिया कि जो रिलेशन दे रखा उसको समझ लिया कि आपके पास दो ट्राइंगल है, दोनों क्या है, सर्वांग सम। अब देखो सर्वांग सम क्या होता है, सिंपल सी कहानी आप खुद भी समझते हो। जैसे ये एक हाथ है ना, इसके ऊपर मैं अगर दूसरे हाथ को रख दूं, जैसे इस प्रकार रखा है, तो देखो एक हाथ ने दूसरे हाथ को क्या कर दिया, कवर कर दिया, कवर करके ढक दिया ना, आपको एक ही नजर आ रहे, ऐसे देखोगे तो दो हाथ नजर आ रहे। तो ये होता है सर्वांग सम, मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर आप रख दो त्रिभुजों को तो पूर्ण रूप से वो क्या आपस में ढक जाए, वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। दो वर्ड आते हैं, एक सर्वांग सम और एक क्या होता है, समरूप होता है। तो समरूप का मतलब होता है रूप में एक जैसे नजर आने चाहिए, और सर्वांग सम का मतलब है रूप में तो एक जैसे होने चाहिए, साथ में सारे के सारे गुण हैं वो मिलने चाहिए, दोनों त्रिभुज एक दूसरे का ओवरलैप यदि करवाए जाए तो उसके सामने वाला ट्राइंगल आपको नजर नहीं आना चाहिए। तो ये है सर्वांग समता वाला। अब इस पर ये जो रिलेशन है वो लगा के चेक करवाए कि कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सममित है और संक्रामक है या नहीं। सबसे पहला आपने चेक करते हैं स्वतुल्य, जो लाइन्स है वैसे एलिमेंट आपको लेने, स्वतुल्य। स्वय का मतलब क्या है, खुद के तुल्य होना चाहिए, इसका मतलब आपके पास जो सेट ए दे रखा है, जो सेट समुच्चय आपको ए दिया है, उसका आपको लेना क्या है, एक एलिमेंट लेके खुद का खुद के साथ रिलेशन आपको चेक करवाना है। जैसे मान लो मैंने क्या लिया, एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज को कहाँ से उठाया, समुच्चय ए में से उठाया। अब इसी जो टी वन है, टी वन पर ही आर रिलेशन टी वन के साथ लगा के देखा, खुद का रिलेशन खुद के साथ देखा जाएगा। तो ये बताएगी जैसे ये त्रिभुज है आपका,
खुद हाथ है अभी तो, ये जो हाथ है खुद खुद के समान तो हो गई, मतलब इसकी अगर कोई छाया प्रति आप मढ़ते हो तो इतनी लंबाई का ऐसे हाथ आपको मिलेगा जैसे ये वाला। तो अब ये क्या है देखो, खुद खुद के क्या हो गया स्वतुल्य है, मतलब खुद खुद के क्या होगा सर्वांगसम होगा, तो इन दोनों से ये मिलता है। तो आप इसमें ये बात भी लिख सकते हो, है ना, भाषा में लिखें तो आप सीधा लिख सकते हो, क्या लिखें कि प्रत्येक त्रिभुज, प्रत्येक त्रिभुज ट्राइंगल स्वयं के सर्वांगसम होगा। क्या होगा सर्वांगसम होता है, या तो आप ये लिख दो या सिंपल सी कहानी के टी वन क्या है सर्वांगसम एक स्केप की इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो देखो खुद खुद के तुल्य तो हो गए, जैसे मिरर की बात हो गई, अपने कांच के सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे मान लो मैं हूँ कांच के सामने खड़ा हुआ, मेरे को क्या नजर आएगा, मेरी तस्वीर नजर आएगी, तो मैं क्या खुद खुद के क्या हो जाऊंगा तुल्य हो जाऊंगा। तो खुद खुद के क्या हो गया सर्वांगसम होगा, कोई भी ट्राइंगल आप उठा लो कैसा भी हो, तो रिलेशन आर आर है वो क्या है स्वतुल्यता है भी आपका, कैसा है स्वतुल्य, स्वतुल्य समझ आ गए, स्वतुल्य ये हो चुका है। दूसरा ले सममित, सिमेट्रिक, सममित के अंदर मैंने कल आपको ये बताया कि सममित के अंदर आपको दो एलिमेंट चाहिए एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ ट्राइंगल चल रहे हैं तो मैं ले लेता हूँ जैसे टी वन और टी टू ले लेता हूँ, कहाँ से लिए सेट ए में से लिए, कहाँ से ले लिए भाई सेट ए में से ले लिए, तो सेट ए में से दो सॉरी टी वन और टी टू है दो एलिमेंट मैंने लिए, दोनों पे मैंने रिलेशन लगाया। अब आपको यहाँ पहली बार चेक नहीं करवाना, क्या नहीं करवाना चेक नहीं करवाना, आपको रिलेशन लगाना है। तो रिलेशन क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी दो एलिमेंट उठाए हैं तो दोनों के दोनों जो त्रिभुज आपने लिए हैं वो आपस में क्या है सर्वांगसम, उसी रिलेशन को मैं लिख रहा हूँ कि टी वन है जो रिलेशन लगाते हैं क्या हो गया टी टू के सर्वांगसम आ गया, क्या आ गया टी टू के सर्वांगसम आ गया। देखो ये टी वन है और ये आपका क्या है टी टू है, ये आपका क्या है टी टू है। तो देखो जब ये टी वन है टी टू के सर्वांगसम, ये तो रिलेशन कह रहा है, आप इसको उल्टा घुमा के देखो क्या टी टू भी टी वन के सर्वांगसम है, क्या है देखो आप यहाँ से ऐसे देख लो, ये हेड आपका टी वन हो गया, ये आपका टी टू हो गया, देखो ये सर्वांगसम है। आप उल्टी पोजिशन में देखोगे तो ये यहाँ से देखें भाई, ये आपका टी टू है और ये कौन है टी वन है, तो ये भी क्या है सर्वांगसम है। तो इसी बात को मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ कि भाई जब टी वन टी टू के सर्वांगसम है तो क्या कह सकते हैं कि टी टू भी क्या होगा टी वन के सर्वांगसम होगा ना, होगा। तो देखो आपने क्या ढूंढ लिया कि T2 का जो रिलेशन है वो कहाँ है T1 के साथ, क्या T2 का रिलेशन T1 के साथ आ गया। आते ही आपको ये जानकारी मिल गई कि यदि X का रिलेशन Y के साथ है तो उल्टा Y का X के साथ रिलेशन होगा, तो R क्या कहलाएगा सममित कहलाएगा। तो बस आपको ये लिखना है कि तो R क्या है सममित, R कैसा रिलेशन है भाई सममित है। अब चलते हैं भाई थर्ड नंबर, तीसरा, तीसरा संक्रामक, क्या चेक करवाना है संक्रामक आपको चेक करवाना है। संक्रामक के लिए तीन एलिमेंट चाहिए, संक्रामक के लिए मैंने आपको ये बताया था कि x y z तीन होते हैं, यदि x का रिलेशन y के साथ है और y का z के साथ है तो अपने को ढूंढना ही होता है कि क्या x z से कोई संबंध रखता है क्या, अगर रखेगा तो जो रिलेशन आ रहा है वो क्या कहलाएगा ट्रांजिटिव कहलाएगा संक्रामक कहलाएगा, नहीं रखेगा तो आपका क्या रिलेशन संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। तो अपने काम करते हैं, यह एलिमेंट है जो ट्राइंगल है तो इसी रूप में मैं लेता हूँ, जैसे T1, T2 और T3 तीन मैंने क्या लिए एलिमेंट लिए, कहाँ से सेट E में से मैंने तीन एलिमेंट उठाए हैं। अब मैं दो दो पे रिलेशन लगाऊंगा, देखो T1 का रिलेशन T2 के साथ लगाना है आपको चेक नहीं करवाना, ठीक है, फिर टी टू का रिलेशन टी थ्री के साथ में भी आपको लगाना है चेक नहीं करवाना है। अभी तक आपने दो एलिमेंट लिए रिलेशन लगाए, रिलेशन क्या बोलता है लिए गए दोनों एलिमेंट है वो आपस में क्या है सर्वांगसम है, एलिमेंट का मतलब है ट्राइंगल है वो क्या है आपस में सर्वांगसम है। तो मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा कि टी वन क्या हो जाएगा टी टू के सर्वांगसम हो गया। इसी प्रकार दूसरी लाइन से मैं क्या लिख पाऊंगा कि जो टी टू है वो सर्वांगसम होगा किसके टी थ्री। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपने तीन ट्राइंगल लिए, ये T1 है, ये आपका T2, ये आपका T3, ये कह रहा है ये इसके सर्वांगसम है, मतलब इसको इसके ऊपर रखा जाए तो पूरा ढक लेगा। फिर ये कह रहा है कि ये जो T2 है ये इसके सर्वांगसम है, मतलब इसको उठा के आप इसके ऊपर रखोगे तो ये इसको ढक लेगा।
तो हुआ क्या, ये T1, ये T2 और फिर एक T3 और आ गया। तो T1 और T2 सर्वांग समय और T2 और T3 क्या है, सर्वांग समय। तो बताओ तीनों के तीनों क्या हो गए, आपस में समान हो गए ना, तभी तो एक दूसरे को ढक रहे हैं। तो इन दोनों जानकारी के द्वारा क्या अपने ये नहीं लिख पा रहे हैं कि T1 है जो सर्वांग सम होगा T3 के, अब T1 T3 के सर्वांग सम हो गया तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि T1 है जो रिलेटेड है किससे, T3 से। R आपका क्या हुआ, R संक्रामक है, R क्या हो गया, संक्रामक हो गया। अब जो लास्ट लाइन आपकी रह जाती है कि R तुल्यता आए नहीं, तो R यदि स्वतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा तो R क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो ये लिखते हैं क्योंकि चौथा जो पॉइंट है तुल्यता संबंध में, तुल्यता संबंध में आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है कि R क्या है, स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, क्या है, तथा संक्रामक है। अतः R क्या है, तुल्यता संबंध है। तो R अपना क्या होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन आ जाएगा जब R का, R आपका क्या होगा, स्वतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा, तो R आपका तुल्यता संबंध भी होगा। तो अपने को दिए गए सेट में से पहले ये पहचान करनी है कि सेट के अंदर आपको क्या जानकारी दे रखी है। सेट के अंदर दी गई जानकारी के अंदर आप रिलेशन को आराम से पढ़ें कि रिलेशन क्या बताता है। रिलेशन पढ़ने के बाद में आप स्वतुल्य, सममित और संक्रामकता की जांच करिए। स्वतुल्य के अंदर पहला जो स्वतुल्य है उसके अंदर एक एलिमेंट आपको लेना है, सममित के अंदर क्या लेते हैं, दो एलिमेंट, और इसी प्रकार जो ट्रांजिटिव है, संक्रामक है, उसके अंदर आपको क्या लेना है, तीन एलिमेंट आपको लेना है। यही ऑर्डर रहता है, यही इसका क्रम रहता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें और देखो और एग्जांपल और करते हैं ताकि उससे और क्लियर हो जाए। तो देखो ज्यादा पढ़ने की या ज्यादा क्वेश्चन करने का कोई उचित नहीं है। आज का जो टाइम चल रहा है, अभी का टाइम वो है कि आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करें। आप कम पढ़ो बाकी पढ़ो ऐसा कि आपको उस मैटर को दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़े, तब तो आज के टाइम में आप सक्सेस हो। नहीं तो देखो रटने वाली विद्या है वो खत्म हो चुकी है। तो प्रश्न चाहिए आप दो ही करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे दिन भर में अगर दो घंटे पढ़ते हो तो दो घंटे भी आप ऐसे पढ़ते हो कि पढ़ा गया मैटर मेरे को दोबारा कभी नहीं देखना पड़े, वो है देखो ओरिजिनल पढ़ाई। तो आप ऐसे तैयारी करें, आराम से समझे हर चीज़ को। गणित क्या आप हर सब्जेक्ट के अंदर ले लो, चाहे वो साइंस हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका SST हो, उसी क्रम से सही ढंग से आप पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर चीज़ आपको समझ आएगी। तो लेते हैं देखो दूसरा एक और क्वेश्चन फिर लेते हैं, इससे अपना क्लियर हो जाएगा। अब क्या ले लेते हैं, इस बार अपना सेट ले लेते हैं, समस्त रेखाएं ले लेते हैं, जितनी भी रेखाएं वो सेट ही के अंदर है, समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय, ये अपना क्या है, समस्त रेखाओं का समुच्चय। और जो रिलेशन है वो इस प्रकार का है, ये रिलेशन कह रहा है कि यदि आपने L1 और L2 दो रेखाएं उठाई है कहां से, सेट ए में से अगर दो रेखाएं उठाई है तो उनके बीच में रिलेशन क्या है कि L1 है जो पैरेलल होगा किसके, L2 के। मतलब रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। अगर दो रेखाएं आपने ली है, जैसे ये L1 है, ये आपकी क्या L2 है, तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, पैरेलल ही चलेगी, आपका रिलेशन ये। अब ए के अंदर तो देखो बहुत सारी रेखाएं, ए के अंदर रेखाएं पैरेलल वाले भी हैं और जो परपेंडिकुलर है लंबवत है वो रेखाएं भी है, समांतर रेखाएं भी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं भी है, है ना। तो बहुत सारी रेखाएं हैं, उनमें से सिर्फ आपको ये चेक करवाना है कि रिलेशन सिर्फ आपको कहाँ ढूंढना है कि दो रेखाएं अगर आप लेते हो तो वो आपस में क्या चलेगी, पैरेलल ही चलेगी। उन पे आपको चेक करवाने की क्या ये जो रिलेशन आर है वो इक्विवेलेंट है, तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो इसके लिए काम करवाएं आप वही तीन चीजें, स्वतुल्य आप करेंगे। स्वतुल्य में क्या लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे। एक एलिमेंट कहाँ से लेंगे, सेट ए में से लेंगे। करने का तरीका आप थोड़ा ध्यान रखें, आपने एक एलिमेंट लिया, एक रेखा ली, कहाँ से ले ली, सेट ए में से दिए गए समुच्चय में से आपने उठा ली। आपको चेक क्या करवाना है कि एल का एल के साथ में रिलेशन, खुद का खुद के साथ में संबंध आपको चेक करवाना है। जैसे मैंने एक रेखा ये बनाई, अब ये खुद खुद के समांतर कैसे होगी, भाई मान लो कि अपने जैसे होता ना, जैसे आप कंप्यूटर वगैरह उठाते हो
एक ही लाइन की क्लोनिंग आप बनाते हो, मतलब उसकी हूबहू लाइन उठा के आपको कहीं यहाँ सामने अगर सेट करने का बोल दिया जाए तो आपने यदि उस रेखा को यहाँ सेट कर दिया, उसी की क्लोनिंग बना के यहाँ आपने सेट कर दी, तो बताओ कि दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है या नहीं है? समांतर है ना, तो सेम है कि L1 है वो समांतर होगी खुद के, तो समांतर होगी खुद खुद के समांतर तो होती है वे अपने जो अपने जैसे तो नजर आते हैं, क्योंकि कांच के अंदर आप देखोगे तो खुद का प्रतिबिंब क्या है, खुद ही तो है, तो L1 क्या होगी, L1 के समांतर जरूर होगी, तो R क्या है आपका, स्वतुल्य संबंध हो गया, क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य हो गया, तो सेकंड आपको क्या चेक करवाना है, सेकंड आपको चेक करवाना होता है सममित है या नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। सिमेट्रिक में आप ये काम करें दो एलिमेंट या एक लिया आप दो लेंगे, लेंगे कहाँ से, दिए गए साइड में से आपको उठाना है, ए में से उठाना है। रिलेशन आप देखो आपको सिर्फ लगाना है, चेक नहीं करवाना, पहले रिलेशन आपको लगा के रखना है। L1 का रिलेशन L2 के साथ लगाओगे तो रिलेशन क्या कहता है कि ली गई दोनों रेखाएं आपस में क्या है, पैरेलल है। तो मैंने क्या लिखा भाई, L1 है जो पैरेलल है L2 के, इसके द्वारा आपने उल्टा निकालना है कि क्या L2 है जो L1 से रिलेटेड है या नहीं है। मान लो कि मैंने दो रेखाएं ली, एक L1 है दूसरी क्या L2 है, तो जैसे ये L1 है वो L2 के समांतर है, तो इसको उल्टा भी आप देखोगे तो L2 क्या होगी, L1 के समांतर आ जाएगी ना, तो इसी बात को आपको लिखना है कि L2 है जो पैरेलल होगी किसके, L1 के, तो देखो उल्टा रिलेशन आ गया। आपने क्या ढूंढ लिया कि L2 का जो रिलेशन है वो L1 के साथ देख लिया, देखते अपने ये कह सकते हैं कि R क्या है, R कैसा है, सममित संबंध है भाई, R क्या है, सममित संबंध है आपका। तीसरा आपको चेक करवाना है ट्रांजिटिव, संक्रामक है या नहीं, ये आपको चेक करवाना है। जैसे स्वतुल्य के अंदर आपने एक लिया एलिमेंट, यहाँ दो लिए, ट्रांजिटिव संक्रामक के अंदर आपको तीन एलिमेंट लेने, एलिमेंट किस प्रकार के हैं, जैसे रिलेशन आपको दे रहे हैं L1 L2 L3, तीन आपने एलिमेंट लिए, कहाँ से लिए, सेट ए में से दिए गए समुच्चय में से उठाए। अब आपको रिलेशन सिर्फ लगाना है, पहले L1 का रिलेशन L2 के साथ देखेंगे, फिर L2 का रिलेशन कहाँ देखेंगे, L3 के साथ देखेंगे। अब आपको पहले L1 का रिलेशन L3 लास्ट वाले के साथ यदि आप करवा दोगे तो रिलेशन आ क्या होगा, संक्रामक होगा, नहीं तो संक्रामक नहीं होगा। तो देखें भाई आपको रिलेशन लगाना, दो एलिमेंट आपने लिए, रिलेशन क्या कहता है कि लिए गए दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। L1 L2 के क्या आगे, पैरेलल आगे, इसी प्रकार L2 क्या होगा, L3 के पैरेलल हो जाएगा। अब आपको देखो चेक करवाना है, यही ये फोटो बना रखी, इसी में बना देता हूँ, ये L1 ये L2, एक रेखा और ले लेता हूँ L3। L1 रेखा है वो L2 के समांतर है, पहला रिलेशन यही कह रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि L2 L3 के समांतर है, तो आप यहाँ बनाओगे तभी तो समांतर आएगी, ऐसे थोड़ी आपने यहाँ बना दी, ये समांतर थोड़ी है। तो L1 यदि L2 के समांतर आप बना रहे हो तो L2 के समांतर L3 कहाँ होगा, जब आप रेखा यहाँ बनाओगे। अब देखो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो पहले वाले लास्ट वाले के समांतर आ गए ना, तो इन दोनों बातों से आपने ये गौरव कर सकते हैं कि L1 है जो पैरेलल है भाई किसके, L3 के, है ना, समांतर। आप खुद यहाँ देख रहे हैं कि L1 है जो L3 के समांतर आ गई, समांतर आ गई, तो रिलेशनशिप हो गया कि L1 है जो रिलेटेड है किससे, L3 से, तो R क्या आ गया, R आपका संक्रामक है। R कैसा है भाई, संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो चौथा क्या होता है, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध में सिर्फ आपको ये बातें लिखनी होती है, कुछ नहीं है कि R क्या है, स्वतुल्य है, और क्या है, सममित तथा संक्रामक है, तथा क्या है, संक्रामक, संक्रामक है। अतः R आपका क्या होगा, R एक तरह का तुल्यता संबंध है, R क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये आपका आंसर आ गया। अगर इन तीनों में से स्वतुल्य, सममित या संक्रामक, इन तीनों में से अगर आपका एक भी पार्ट अगर आपका रिलेशन सेट नहीं हो रहा, जैसे स्वतुल्य नहीं हो तो ये तुल्यता बिल्कुल नहीं होगा। मान लो स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है, तो भी आपका क्या होगा, तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो तुल्यता संबंध होने के लिए तीनों बातें होनी जरूरी है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। वो
और आगे चलते रहो, इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ, फिर अपने चेक करवाते हैं कि वो रिलेशन है जो तुल्यता होगा या नहीं होगा उसको चेक करवाए। सेट आपका ये रखते हैं, रिलेशन में आपका चेंज करवा देता हूँ। एक एग्जाम्पल है जो एक प्रश्न है, इसी के द्वारा और जनरेट करवा लिया जाए, बना लिया जाए। तो देखो करते हैं इसको थोड़ा सा चेंज, है ना, थोड़ा सा इसको अलग ढंग से और करें। तो अलग कैसे, इस बार एक काम करते हैं कि जो सेट ए है, तीसरा जो एग्जांपल है प्रश्न वो लेते हैं कि जो समुच्चय आपका ए है वो समस्त रेखाओं का समुच्चय है। आप रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन कर लेते हैं, यदि आपने दो रेखाएं उठाई तो वो दोनों रेखाएं आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, आपस में लंबवत है, ये साइन होता है लंबवत का। एक रेखा दूसरे के क्या लंबवत है, ये यदि L1 है तो ये रेखा आपकी क्या होगी, L2 होगी। तो ये चेक करवाने की तुल्यता है या नहीं, तो देखो वही काम, सबसे पहला काम क्या है, स्वतुल्य आप चेक करवाएंगे। स्वतुल्य के अंदर आपको एक रेखा लेनी, L1 आपने कहां से लिया, सेट ए में से, L1 का रिलेशन L1 के साथ लगा के चेक करवाएं। क्या खुद खुद की लंबवत आएगा कि जैसे मान लो ये रेखा है आपकी, जो मार्कर है वो क्या है, रेखा है। अब ये वाली रेखा ऐसी थोड़ी है, मतलब इसके ऐसा प्रतिबिंब तो नहीं आएगा। अगर आप इसकी इमेज बनाओगे, प्लॉटिंग अगर आप बनाओगे, तो मान लो ये आपका है मार्कर, है ना, ये रेखा है, तो इसकी दूसरी लाइन आप यहाँ बढ़ा दो, ठीक है, तो खुद खुद के समांतर तो हो सकती है परंतु खुद खुद के लंबवत कभी भी नहीं होगी। तो ये गलत सिस्टम आ गया कि L1 है वो लंबवत नहीं हो सकती है L1 के, तो R बताइए क्या हो गया भैया, R क्या है, स्वतुल्य नहीं है आपका, R क्या है, कभी भी स्वतुल्य नहीं होगा। सेकंड, सम्मित होगा कि नहीं होगा चेक करवा लिया जाए भाई। सम्मित के लिए आपको क्या करनी है, दो रेखाएं लेनी है कहाँ से, दिए गए सेट में से। पहले आपको रिलेशन लगाना है, चेक नहीं करवाना। आपने दो रेखाएं ली हैं, दोनों के बीच में रिलेशन लगाओगे, रिलेशन क्या कह रहा है कि L1 है जो L2 के लंबवत है, तो क्या इसमें उल्टा कर सकते हैं, क्या आप L2 का L1 के साथ रिलेटेड कर सकते हैं, कि क्या यह कह सकते हैं कि रेखा L2 भी L1 के लंबवत है। तो देखो चित्र बना के देख लो कि रेखा आपकी L1 हो गई, L2 इसके लंबवत की होनी चाहिए, रिलेशन यही कह रहा, तो लंबवत कहाँ होगी, यहाँ होगी, ये L2 आ गई। अब देखो L1 है जो L2 के लंबवत है, इसी प्रकार L2 को देखें तो L2 भी क्या है, L1 के लंबवत है, लंबवत है ना। जैसे मान लो ये रेखा L1 हो गई, ये L2 हो गई, L1 ये वाली रेखा इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, इसको आप देखोगे, ये मान लो L2 है आपकी, L2 L1 के भी लंबवत है, देखो एंगल आपका क्या रहा, 90 डिग्री का ही आ रहा है। तो इस बात को अपने बिल्कुल लिख सकते हैं कि L2 क्या होगा, L1 के परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। तो आपने क्या देख लिया कि L2 का जो रिलेशन है L1 के साथ है, तो R आपका क्या हो जाएगा भाई, सम्मित संबंध तो आ गया, स्वतुल्य तो नहीं हुआ परंतु क्या आ गया, सम्मित आ गया। सम्मित आने के बाद तीसरा चेक और करवा ले, क्या ये ट्रांजिटिव संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामकता इसकी चेक करवाई जाए। यहाँ आप तीन रेखाएं ले L1, L2 और L3 सेट A में से, पहले दो के मध्य रिलेशन आप लगाएं, खुद चेक नहीं करवाना है, लास्ट वाली दो रेखाओं के बीच में रिलेशन लगाएं। तो रिलेशन कहता है कि जो भी आप दो रेखाएं लेते हो वो आपस में क्या परपेंडिकुलर है, समझ L1 L2 के लंबवत है और L2 क्या होगी, L3 के लंबवत है। क्या इसके जरिए अपने ये कह सकते हैं कि L1 है जो L3 के लंबवत है या नहीं, चेक करवाएं। देखो चलो यही बना देता हूँ, ये L1 रेखा हो गई, ये L2 बनाई, पहला रिलेशन यही कह रहा है कि L1 L2 के लंबवत है, बना दिया। दूसरा ये कह रहा है कि L2 L3 के लंबवत है, तो L2 तो आपकी ये रही, L3 कहाँ बना सकता हूँ मैं, यहाँ बना सकता हूँ, ये रेखा मान लो L3 आ गई। तो अब इस कंडीशन में देखो L2 है जो L3 के लंबवत है ना, तो ये दो रिलेशन आपने यहाँ लगा ली। अब आप देखो क्या L1 ये पहले वाली रेखा इस वाली रेखा के लंबवत है क्या, नहीं है भाई, ये रेखाएं कैसी है, देखो समांतर आ गई, एक तो रेखा ये L1 और L3 कहाँ आई आपकी, यहाँ आई, तो ये दोनों रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर न होके क्या हो गई, पैरेलल आ गई, समांतर रेखाएं आ गई। तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते ऐसा होगा ही नहीं कि रेखा L1 L3 के लंबवत होगी, इसका मतलब L1 का रिलेशन नहीं मिला भाई, काट दे, L3 के साथ नहीं मिला, तो क्या लिखेंगे, R संक्रामक नहीं है, R संक्रामक नहीं। Z
जब आपका स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, तो बताएं आपका तुल्यता संबंध होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा भाई। तुल्यता संबंध चेक करवाने के लिए आप ये लिखें कि आर संवित है, आर संवित है, परंतु क्या नहीं है, आर स्वतुल्य वह संक्रामक नहीं है। क्या नहीं है? स्वतुल्य वह संक्रामक नहीं है, अतः आर क्या है, तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। तो देखो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए हैं, आराम से आपने देखा है। स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहे तो आप ले ले। तो ये होता है भी रिलेशन का, अपने जो रिलेशन है उसको किस प्रकार डिफाइंड करते हैं, उसके पैटर्न हो गए आपके पास चार, चारों में से लास्ट वाला तो समझ आ गया कि यदि तीनों पहले के पैटर्न लागू होंगे, स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रम होगा, तो ही आपका तुल्यता संबंध होगा, नहीं तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। अब इसके आगे जो भी पार्ट अपने लेके आगे चलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर करवाऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो आराम से इनमें देखें, प्रश्नों को खुद करने का प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।